अयोध्या में भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ पर रामलला विश्राम के लिए तैयार है। लंबी संघर्ष यात्रा का इतिहास समेटे है यह मंदिर। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र राम के रूप में हुआ था। तथ्य बताते हैं कि 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर ने राम जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, जिसे बाद में बाबरी नाम दिया गया। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार इस संघर्ष में करीब 2.25 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया। संघर्ष फिर भी जारी रहा। औरंगजेब के काल में फिर से अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चला। 1853 में तकरार बढ़ी तो 1859 में अंग्रेज प्रशासन ने विवादित स्थल पर बाड़ लगाकर भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। आजादी के बाद 1947 में केंद्र सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश देते हुए मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डालने और हिंदुओं को अलग रास्ते से प्रवेश कराने की बात कही। दिसंबर 1949 में परिसर में सुबह अचानक श्री राम की मूर्तियां मिली। हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए मुकदमा लगा दिया। मामला यूपी गवर्नमेंट के पास पहुंचा तो सरकार ने मस्जिद से मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन उस समय के डीएम नायर ने मानने से इनकार कर दिया तो परिसर में ताला जड़ दिया गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू किया। 1 फरवरी 1986 को डीएम ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए भगवान की पूजा करने की के लिए विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोलने की घोषणा की। यूपी के सीएम मुलायम सिंह के परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा वाली घोषणा को दरकिनार कर 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्तों ने विवादित ढांचे पर भगवा लहरा दिया। 2 नवंबर को कार सेवकों पर गोलियां चली और मुलायम सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कार सेवा के अगले चरण में 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने विवादित ढांचा गिराकर जन्म स्थल पर भगवान की पूजा की। कोर्ट के मुकदमों पर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच बनी। बेंच ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को दी जाए, लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। उसने यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन किसी अन्य स्थान पर दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 5 अगस्त 2020 को वहां मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम इस राष्ट्र के प्राणाधार हैं। राजनीति छोड़ जिसे जब मौका मिले राम लला के दर्शन करना चाहिए। जय श्री राम।